हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में 8 माह की गर्भवती महिला के साथ सीआरपीएफ सीआई पति ने बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। सीआई का अन्य किसी महिला के साथ अफेयर चलने की जानकारी मिलने के बाद से पति व उसके ससुराल वाले पीड़िता के साथ दहेज के लिए मारपीट कर रहे हैं। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर पति, सास, ससुर व ननद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता का कहना है कि मैंने इतने साल तो सहन किया, लेकिन अब मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ ज्यादती सहन नहीं कर सकती हूँ। एसपी दीपक भार्गव का कहना है कि जांच कर रहे जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे वैसी कार्यवाही की जाएगी। महराजनियों के बेरी बाटड़ू निवास चंद्रा के नागाड़ा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि मेरी शादी हरीश चौधरी के साथ जुलाई 2010 में हुई थी। पीड़िता की 8 साल की एक बच्ची है और वर्तमान में करीब 8 माह की गर्भवती भी है। वर्तमान में सीआई पद पर सीआरपीएफ 179 बटालियन सपोर्ट श्रीनगर में पर स्थापित है। पीड़िता का सितंबर 2020 में 2 ग्रेड टीचर पद पर चयन हो गया था। वर्तमान में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छितर के पार में 2 ग्रेड टीचर पद पर कार्यरत है। वहीं पर किराए के मकान पर रहती है। बेटी होने के बाद से पीड़िता के ससुराल वाले दहेज में 27 लाख रुपए मांगने के साथ मारपीट कर रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि मैंने बच्ची को देखकर मैं बीते 6 से 7 सालों से सहन कर रही हूं। पीड़िता चंद्रा का कहना है कि 1 मई 2022 को पति हरीश चौधरी छुट्टी पर छितर का पार गांव आए। पति ने घर में ही आते ही दहेज के लिए 27 लाख रुपए देने के लिए बोला, दे नहीं रही है, फिर लाठियों व मुक्के से मेरे ऊपर हमला कर दिया। बोला किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। पीड़िता ने बताया कि पति का इस बात से गुस्सा भी था कि मैं सरकारी नौकरी करती हूं। पीड़िता का कहना है कि मैं छोटी बच्ची के परवरिश को देखते हुए पहले कभी मामला दर्ज नहीं करवाया। पीड़िता का कहना है कि मैं तलाक नहीं लेना चाहती, बस मेरे पति मेरे साथ शांति से रहे। 2014 में दहेज के लिए मारपीट कर रहे। पीड़िता ने बताया कि फर्स्ट मारपीट सास ने कमरे में बंद करके मारपीट की और गला दबाकर जान से मारने की धमकियां दी। कहा अपने पीहर से दहेज नहीं लेकर आई है, रुपए लेकर आ नहीं सकती तो जान से मार दूंगी। पीड़िता ने बताया कि वहां जैसे तैसे भाग गई और दूसरी जगह रूम लेकर रहने लगी। पति जब भी छुट्टी पर आते तब मेरे साथ दहेज के लिए मारपीट करते थे, मोबाइल पर देखे अन्य महिला के फोटो। पीड़िता ने बताया कि करीब 7 से 8 माह पहले पति हरीश चौधरी के मोबाइल पर दूसरी महिला के साथ फोटो वो चैट देखे तो पति से पूछने पर मारपीट कर दी। पति बोला मुझे तेरी जरूरत नहीं है, दहेज लाकर दे, मेरी जिंदगी से निकल जा नहीं तो जान से मार दूंगा। 2018 में केवीएस में हुआ था सिलेक्शन। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2018 में केवीएस बैंगलोर में टीचर पद पर चयन हो गया था। पति नौकरी के लिए राजी नहीं हुए, छुट्टी के समय बैंगलोर में आते थे तब भी मेरे साथ मारपीट करते थे। पति से तंग आकर केवीएस बैंगलोर टीचर पद से रिजाइन दे दिया। इसके बदले मुझे 2 लाख रुपए बॉन्ड भर के देने पड़े थे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराम मेघवाल की रिपोर्ट।